नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। मैं दर्शकों से माफी चाहता हूं कि कल मैं ट्रैवल कर रहा था और कहीं नेट कनेक्टिविटी मिल नहीं रही थी, इसलिए कल का कार्यक्रम मैं कर नहीं पाया, लेकिन आज फिर आपके सामने हूँ। इसी बीच बहुत सारी खबरें हैं, बहुत जगह सत्य डोला है, पर सत्य इतना डोल रहा है कि कौन सा सत्य डोला हुआ आपके सामने लाऊं, इसमें कन्फ्यूजन है। कुछ दिन पहले हमने एक पटना पे जो लाठीचार्ज हुआ, और एक भारतीय जनता पार्टी का विजय सिंह नाम का एक कार्यकर्ता, मतलब एक ऑफिस बियरर की मृत्यु हुई। उसके बाद पटना पुलिस ने सारे वीडियो रिलीज किए, सीसीटीवी फुटेज रिलीज किए। उसमें एक बात तो सामने आई कि विजय सिंह घर से निकले थे, साइकिल रिक्शा में बैठे, और वही उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। ना वो प्रदर्शन के जगह पे थे, ना उन पे लाठी चली, ना उनका प्रदर्शन से कोई लेना देना था, उनके मृत्यु से कोई प्रदर्शन से लेना देना नहीं था। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई उसी समय जब प्रदर्शन में लाठीचार्ज हो रहा था। तो जैसा कि होता है, हमेशा झूठ का साथ लेके ही जो लोग चलते हैं, उन्होंने तुरंत विजय सिंह का हत्या का आरोप लगा दिया, उसके लिए विधानसभा भंग हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद रघुवीर दास जी हैं, सीनियर बीजेपी के नेता हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत संघ से आए हुए व्यक्ति है ये। वो एक कमिटी के तहत वो बिहार पटना में घूम रहे हैं कि इसका तहकीकात करने की एक्चुअली हुआ क्या। लेकिन पुलिस ने वो सत्य जो है वो सामने लाया और फिर बीजेपी के सत्य को नंगा कर दिया। फिर मैंने तब भी कहा था, तब मैंने उस एपिसोड में जो व्यक्ति मरा उसके लिए संवेदना व्यक्त करते हुए कहा था कि फिर यदि पुलिस की बर्बरता है तो वो सिर्फ पटना में ही नहीं, बाकी जगह भी होनी चाहिए। मैंने लड़कियों के खिलाड़ियों का उदाहरण दिया था। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरा एक राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश में पटवारियों के एग्जाम में घोटाला हुआ, पटवारी के एग्जाम में घोटाला हुआ, और वो घोटाला यहाँ तक आ गया कि एक ही जगह एक बीजेपी के विधायक थे, उन्हीं के सेंटर पे ग्वालियर में लोग एग्जाम देते हैं और उसी से लोग सिलेक्शन होता है बहुत ज्यादा तादाद में। वो एक स्कैम था, वो इतना बड़ा जोर पकड़ चुका था कि कुछ कागज सामने आए, कुछ जो उसमें परीक्षार्थी थे वो कह रहे थे कि 15 लाख रुपए दो और पटवारी बनो, ये हमको सबको बताया गया है। ये भ्रष्टाचार का मामला जब आया और जब लोग आंदोलन करने के लिए विद्यार्थी उतर आए रास्ते पे, तो हाथ पैर फूल गए सरकार के। सरकार वैसे भी बहुत घिरी हुई है, वहां पे 40% का टैग था तो यहाँ 50% भ्रष्टाचार का टैग मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके केंद्रीय नेतृत्व का लगातार दबाव है। ऐसे में जब ये आरोप लगे तो आनन फानन में पटवारी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया वो पूरे। इसके बाद लोग आंदोलित हुए और उस आंदोलन के चलते जब पटवारी की एग्जाम देने के लिए बच्चे आए हैं, उनको डर लग रहा था कि अब पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर की एग्जाम होगी। सारे एग्जाम यदि व्यापम जैसे ही होने लगे, भ्रष्टाचारी चलने लगे, तो फिर जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग पैसा कहाँ से देंगे और नौकरी कहाँ से पाएंगे। इस चक्कर में वहां आंदोलन हुआ, और जब आंदोलन हुआ तो इंदौर में आंदोलन हुआ, लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पे मोर्चा गया, हजारों की तादाद में युवा जिनको अपना भविष्य अंधकार में दिखता है वो सरकार को सवाल पूछने चले गए, जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम दी वो सवाल पूछने चले गए। ऐसे में भोपाल में भी आंदोलन हुआ, और बट नेचुरल है, ये सभी जगह का है कि जब कोई अन्याय होता है, जब पटना में अन्याय हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उस इशू को उठाए उठाकर जिन पे अन्याय हुआ उनका साथ दिया। जब अन्ना का आंदोलन हुआ दिल्ली में, तो पूरा भाजपा लगा हुआ था, क्योंकि उन्हें लगा कि अन्ना करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, मनमोहन सिंह की सरकार करप्ट है तो हमें साथ देना चाहिए। ऐसा ही साथ भोपाल में भी कांग्रेस में दिया, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। जब कांग्रेस ने साथ दिया और जिस बर्बरता से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके जो वीडियो मेरे पास आए, मैं चाहता तो शेयर भी करता, लेकिन वो वीडियो देख के मन विचलित होता है। खून मुंह से टपक रहा है, लोग खून की
उल्टियों जैसा, मतलब जब थूक रहे तो खून ही खून निकल रहा है, चेहरा सूजा हुआ है, आंखें खुल नहीं रही है, और ये जिसको मारा है वो कोई और नहीं, वो भोपाल का कांग्रेस का अध्यक्ष है, मोनू सक्सेना। उसकी पिटाई इतनी बुरी तरह से की है, और लड़ किस लिए रहे थे, पटवारी में, पटवारी भर्ती में जो धांधली हुई उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो ये दो जगह उदाहरण दिखते हैं, यानी विपक्ष के राज्य में पुलिस लाठीचार्ज करता है, और पुलिस के लाठीचार्ज बिना पुलिस की लाठी खाए कोई उनका नेता कहीं और मर जाता है तो उसका बिल पुलिस वाले के नाम पे फाड़कर एक आंदोलन आंदोलित करने का प्रयास करता है पूरे प्रदेश में, देश में एक मैसेज जाता है कि कैसा नीतीश कुमार की पुलिस बर्बरता से व्यवहार कर रही है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस में जब बर्बरता का व्यवहार हुआ, जो मैंने सवाल उठाया था, और वो ताजा घटना अभी मध्य प्रदेश की है, जब इसके वीडियो सामने आए हैं, तो अब भाजपा क्यों चुप है? भाजपा के लिए अभी लोकतंत्र क्यों खतरे में नजर नहीं आता? क्योंकि जहां भाजपा के राज्य हैं वहां भ्रष्टाचार नहीं होता, व्याभिचार नहीं होता। ये कयास कैसा लगा के रखा है? यदि भ्रष्टाचार नहीं होता, व्याभिचार नहीं होता, तो फिर कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार के अटैक से सरकार चली नहीं जाती। यदि भ्रष्टाचार नहीं होता तो हिमाचल में सरकार चली नहीं जाती। यदि भ्रष्टाचार नहीं होता तो 15 साल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, जो बहुत ताकतवर जगह है, वहां से भाजपा को खदेड़ा नहीं जाता। भ्रष्टाचार तो वहां पे भी होता है। तो फिर जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो उन्हें अधिकार आंदोलन का है, उन्हें अधिकार जो लोग शोषित है उनका साथ देने का है। यदि बीजेपी शासित राज्य जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, यदि वहां लोगों ने, विपक्ष ने साथ दिया, तो फिर विपक्ष अति कर रहा है, विपक्ष गलत बात कर रहा है। और जब उन्हें लाठियों से पीटा जाता है, जब लहूलुहान होते हैं उनके अधिकारी, ऑफिस बेयरर, तब फिर ये बोला जाता है कि ये आतंकी तत्व थे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग थे, ये अरबरी नक्सल है जो ये अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये जो आज कांग्रेस का मोनू सक्सेना बुरी तरह से घायल है, ये घायल इसलिए नहीं हुआ कि उसको पटवारी बनना था, वो एक कांग्रेस का नेता है। यदि भोपाल के कुछ लड़कों पे अन्याय हुआ है और वो आंदोलित है, तो उसका साथ देना वो अपना कर्तव्य समझता है, और फिर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? भाजपा ने तो यही करते आ रहे हैं, यही तो भाजपा का भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई थी जिसके चलते भाजपा सत्ता में आई, यूपीए सरकार चली गई। तो जब जहां भाजपा भ्रष्टाचार करेगी, गलत काम करेगी, वहां यदि लाठीचार्ज होता है तो फिर ये अर्बन नक्सल हो जाते हैं, और लाठीचार्ज चार्ज को जस्टिफाई किया जाता है। और जहां विपक्ष की सरकार है और वो यदि कानून व्यवस्था बने रखने के लिए लाठीचार्ज करती है, तो फिर लोकतंत्र खतरे में आता है। वो सरकार बर्बरता कर पूर्ण करती है, वो सरकार हत्यारी हो जाती है। संविधान में जिसका विश्वास नहीं, ऐसी सरकार हो जाती है, क्योंकि संविधान का विश्वास रखने का ठेका शायद सिर्फ एक पार्टी के पास है। ये दो राज्यों के ताजा उदाहरण, दिल्ली का तो पुराना उदाहरण हो चुका है, शायद लोग भूल गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नीचे गिरा के घसीटते हुए, उनके चेहरे पे जवान अपने जूते रगड़ते हुए वीडियोज थे, क्योंकि वो आंदोलन कर रही थी और पुलिस कर रही थी, प्रतिबंधित क्षेत्र में आंदोलन कैसा कर रहे हो? वैसा ही पटना की पुलिस ने कहा था कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आप कैसे आंदोलन कर रहे हो, लाठीचार्ज हुआ है, वहां भी लोग जख्मी हुए हैं, यदि वहां बर्बरतापूर्वक काम हुआ है जिसका निषेध हम कर चुके हैं पहले ही, राज भी करते हैं पटना में जो हुआ उसका निषेध, तो फिर निषेध उसका भोपाल में भी होना चाहिए और निषेध उसका दिल्ली में भी होना चाहिए। सत्य यहाँ डोलता है, इसलिए अशोक वानखेड़े बोलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, हम करें तो सदाचार, आप करें
तो व्यभिचार, हम करें तो रासलीला, आप करें तो आपका कैरेक्टर ढीला। लेकिन जनता भी अब समझती है कि कैरेक्टर किसका ठीक है और किसका नहीं। आज इतना ही, फिर आता हूं मंडे को किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।